पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। काले संगमरमर से बनी इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हे राम उद्धृत हैं। अब यह एक सुंदर उद्यान का रूप ले चुका है। यहाँ पर सुंदर फव्वारे और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। गांधी की समाधि काले पत्थर से बनाई गई है। जिस स्थान पर यह समाधि बनाई है वही महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस समाधि के साथ में ही एक ज्योति हमेशा जलती रहती है। राजघाट दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहां दो संग्रहालय है जो आपको पुराने समय में वापस ले जाएंगे। अगर आप राजघाट जा रहे हैं तो इन संग्रहालय को भी देखने जरूर जाएं। यह संग्रहालय आपको भारत की आज़ादी से जुड़े प्रत्येक पहलू से रूबरू कराएंगे। राजघाट एक बड़े क्षेत्र में फैला है। यहाँ दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने पेड़ लगाए हैं, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ, अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर और वियतनाम के बड़े नेता हो ची मिन शामिल हैं। रामपुर के मुताबिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट के अलावा रामपुर में भी है। 11 फरवरी 1948 को बापू की अस्थियां रामपुर लाई गई थी। बापू की अस्थियों का कुछ हिस्सा कोसी नदी में विसर्जित कर दिया गया। शेष अस्थियों को चांदी के कलश में रखकर दफन कर दिया गया था। भैया चाहिए
लिखा हुआ है। ये गांधी के अंतिम शब्द माने जाते हैं, जो गोली लगने के बाद अपनी अंतिम सांस लेने से पहले बोले गए थे। इसका अर्थ है, हे भगवान, स्मारक के पीछे एक शाश्वत लौ जलती है, जो गांधी के अनंत काल का प्रतिनिधित्व करती है। उनके विचार टिके रहे। महात्मा गांधी की तस्वीर सबसे पहले 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। डिस्ट्रिक्ट रामपुर के मुताबिक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट के अलावा रामपुर में भी है। 11 फरवरी 1948 को बापू की अस्थियां रामपुर लाई गई थी।